हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुल कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके किसी भी टेट में। इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज का सेशन। और इसको आप ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और उन्हें बताएं कि यहाँ पे क्लास चल रहा है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, जो कि आपको प्रैक्टिस वे में सिखाया जा रहा है। इसमें कोई थ्योरी एज ए जो एक ट्रेडिशनल लुक है कि थ्योरी लोग पढ़ाते हैं, तो थ्योरी तो ऑलमोस्ट आप लोग पढ़े हुए होंगे। आज जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, वो इसको भी अगर समझेंगे तो पेपर क्लियर कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में डिफरेंस देखते हैं कि उसके आप बॉडी में देख सकते हैं या उसके मेंटल या फिर हम कह सकते हैं उसके इमोशनल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है तो बायोलॉजिकल आप डिफरेंस देखेंगे या फिर मेंटल देखेंगे और इमोशनल और फिर कल्चरल। तो ये जो चार हैं ये मेन कह सकते हैं या फिर आपके तो प्राइमरी कह सकते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल उसकी पूरी बायोलॉजिकल हम देख सकते हैं, बॉडी वगैरह उसमें स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद फिर मेंटल कि वो मानसिक उसका जो है वो किस प्रकार से है, कैसा है। फिर इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, वो कैसा इमोशंस वो मतलब दिखाता है, वो अपने पास रखता है, कैसा रिएक्ट करता है चीज़ों के साथ, तो वो एक इमोशंस उसका हो गया। और कल्चर यानी वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है, जिस संस्कृति में आप रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करता है, एक से डिफरेंट बनाता है, यानी एक इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाता है। हर इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड डिफरेंट है, ये आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपके पास रंग रूप बुद्धि आकार के आधार पर आप किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि दो बच्चे हैं जो एक जैसे दिखने में है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनकी जो एबिलिटी है मानसिक आपकी एबिलिटी है तो वो एक जैसी हो, या फिर उनका जो एक एटीट्यूड है बात करने का पर्सनैलिटी वो एक जैसी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर ये एक पुतला बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है एजुकेशन या फिर उसकी एज या उसकी इंटेलेक्ट यानी मानसिक जो है मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकते हैं हम डिफरेंस कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि फादर ऑफ यूजेनेसिस क्या है, ये कई बार यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी टेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फादर ऑफ यूजेनेसिस, ठीक है, तो कौन है, ये है आपके सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन को जो है यूजेनेसिस का फादर कहा जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम या कह सबसे पहले जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है तो वो इन्होंने ही की थी, किसने, आपके जो गाल्टन है, ठीक है, तो गाल्टन ने जो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी। आगे बढ़ जाते हैं, अब अगर बात करें तो टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, तो ये किस प्रकार से, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो आपके इनहेरिटेड होते हैं और एक आप एक्वायर करते हैं, जो आपके माता पिता से जो मिलते हैं आपको, एक तो वो वाले हो गए आपके डिफरेंस, और एक होता है जो आप एक्वायर करते हैं इन द वर्ल्ड, जब आप अपने आसपास से चीज़ों को एक्वायर करने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक्वायर ट्रेड्स हो गए, ट्रेड्स दैट इज अ लक्षण कह सकते हैं हम। उसके बाद में फर्स्ट जो ट्रेड है उसकी बात करूँगा, इनहेरिटेड ट्रेड्स किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। पहला आपका है यहाँ पर फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस बोले तो शारीरिक जो आपके एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, शारीरिक अंतर जो है डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए कोई भी जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक यूनिक है और वो कहीं भी किसी प्रकार से मिलता जुलता नहीं होता है, चाहे उसमें 1% का डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस जरूर होता है। तो ये जो डिफरेंस है लाइक उसके हेयर कह लें, उसके हम आइज कह लें या फिर उसकी स्किन कह लें या उसका हम क्या कह रहे हैं कि एक पूरा हाइट उसका वेट, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं फिजिकल में आ जाएंगी और ये डिफरेंस उसको क्या करता है, फिजिकल डिफरेंस के अंदर चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी, मेंटल डिफरेंस की बात करें तो एक व्यक्ति जो है हर व्यक्ति से अलग अलग है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर राम है आपका और एक आपका रवि है, ठीक है, तो राम और रवि मान लीजिए, रवि और ये राम दोनों एक जैसे ही हैं और क्यूंस मान लीजिए, लेकिन इनमें क्या है उनकी जो मानसिक क्षमता है या उनका एक आईक्यू है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम एबिलिटी है, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, दोनों को एक ही गेम पसंद हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये एक नेचुरल है और ये आपका हर व्यक्ति में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस है वो हो सकता है कि रवि में ज़्यादा हो और इसमें कम हो, मे भी हो सकता है कि रवि में कम हो और राम में ज़्यादा हो, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। उसके बाद टेम्परामेंटल डिफरेंस,
ये मतलब मिजाज मिजाज जो होता है हर व्यक्ति का, आप देखते हैं कि अलग अलग होता है, कोई गर्म मिजाज का है, कोई नरम मिजाज का है, या कोई थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा जल्दी से एकदम हाइपर हो जाता है, कोई नहीं भी होता है। तो ये जो सारी चीजें आप देखते हैं ये क्या है, ये टेम्परामेंटल डिफरेंस के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस इन एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी की बात करें, डिफरेंस इन एबिलिटी क्या है, आप जो इसमें जितने भी डिफरेंस है जो भी बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देखते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी जो क्षमताएं हैं, आप किसी भी काम को करने की जो एक क्षमता होती है वो हर व्यक्ति की डिफरेंट है, मतलब किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ जो आपके मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, MR बच्चे जो होते हैं, उनमें जो उनका IQ जो होता है वो होता है 70 below। ठीक है, 70 below होता है, तो मतलब उनमें जो मानसिक क्षमता है, उनके काम करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है। वो अपने दिनचर्या की चीज़ों को भी अच्छे से क्या नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जो नॉर्मल व्यक्ति है 90 से उसका मान लीजिए 110 IQ लगभग है, तो ये जो होता है आपका कैसा नॉर्मल या एवरेज IQ माना जाता है। तो ये अपने आपने देखा होगा कि हम सब में से जो IQ लेवल जो 100% अगर मैं करूँ 100% जो है पूरी क्या कहते हैं आबादी, उसका 70% मोस्टली इतने IQ के होते हैं। इसके बाद जो बच्चे वो जीनियस लेवल में पहुंच जाते हैं और थोड़े उनसे अपर में। तो ये जो है आपका डिफरेंस जो एबिलिटी होती है उस प्रकार या उस टाइप में हम डिफरेंस कह सकते हैं। फिर है डिफरेंस बेस ऑन सेक्स, सेक्स के ऊपर भी डिफरेंस है, एक तो मेल है फीमेल है, फिर एक आपका क्या होता है जो मिड में आ जाता है, जो आपके ना तो मेल ही होता है ना ही वो आपका फीमेल होता है, उसमें भी डिफरेंट टू टाइप हो जाते हैं कि एक तो आपका मेल जो है उसमें एक फुल्ली मेल होता है लेकिन वो आपका फुल्ली मेल नहीं हो पाता है, यानी जैसे कि जिसे हम नॉर्मल भाषा में किन्नर वगैरह बोलते हैं तो वो वाले होते हैं। तो यहाँ पर सेक्स के ऊपर डिफरेंस भी होते हैं। उसके बाद आपका आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से आप काफ़ी वाकई में भी कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये है, इस तरीके से पर्सनैलिटी लाइक अगर बात करें तो 2, 3 या 4 प्रकार की हो सकती है। पर्सनैलिटी देखते हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सट्रोवर्ट हो गया, ठीक है, एक एक्सट्रोवर्ट हो गया और एक इंट्रो, ठीक है, एक इंट्रो। तो एक्स्ट्रो और इंट्रो पर्सनैलिटी, देखा हमें 2 type ऑफ पर्सनैलिटी, 1 is एक्स्ट्रो एंड इंट्रो। एक्स्ट्रो जो होता है बाह्य मुखी होता है और एक होता है इंट्रो यानी जो अंतर्मुखी होता है, ये अपने आप में रहता है, आप ज़्यादा किसी से मतलब घुलता मिलता नहीं, मतलब जल्दी कहीं भी जाएगा तो एकदम जल्दी से घुलना मिलना नहीं कर पाता, लेकिन एक्स्ट्रोवर्ट जो होता है ये एकदम से कहीं भी क्या होता है घुलना मिलना इसका हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पर्सनैलिटी है देयर हैव अ 2 type पर्सनैलिटी, एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। उसके बाद आपका आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी दैट मीन इज कि आप कितने मैच्योर हैं अकॉर्डिंग टू एडोलसेंस। आफ्टर एडोलसेंस क्या होता है कि जब आप एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो मैच्योर होने लगते हैं, तो आप में क्या आता है स्टेबिलिटी आने लगती है, आप में स्थायित्व आने लगता है, ठीक है, स्थायीपन आने लगता है, स्थायीपन आने लगता है, जिससे आप क्या विचार आपके जो हैं या आपके जो भी एक डिसीजन लेने का एक जो लेवल है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं स्थिर होने लगती हैं, उसे आप अच्छे समझने लगते हैं और किसी भी चीज़ को आप बहुत ही सटीकता से या फिर डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं। फिर आपका एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड में क्या होता है कि जन्मजात होती है जो स्किल एक्वायर करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, एटीट्यूड जो है वो आपकी जन्मजात होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक एटीट्यूड होता है किसी का अपना बात करने का, तो वो एक्वायर नहीं की जाती है, वो कैसी होती है इननेट होती हैं, वो आपकी कैसी होती हैं इननेट होती हैं, ओके, दैट इज क्लियर। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड ट्रेड्स, व्हाट इज द एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो फर्स्ट इज है कि आपका सोशल डिफरेंस, ठीक है, सोशल डिफरेंस कैसा है, सामाजिक अंतर कैसा है, भाई हर समाज का व्यक्ति अलग अलग है, मान लीजिए कि हिंदू समाज हो गया आपका, फिर मुस्लिम हो गया, फिर सिख हो गया, फिर ईसाई हो गया, फिर जैन हो गया, बौद्ध हो गया, दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सोशल डिफरेंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आपका समाज हो गया, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग तरीका है। नेक्स्ट अचीवमेंट, आप
अब जो अचीवमेंट है वो एक्वायर में डालेंगे कि आपने क्या क्या एक्वायर किया है। मतलब अगर आप मुझे सीख रहे हैं, दैट इज आप स्पीकिंग सीख रहे हैं, किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, तो वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो आपके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग आप में क्या होते हैं, इनबिल्ड होते चले जाते हैं या एड ऑन होते चले जाते हैं। फिर आपका कल्चर, कल्चर आप पता है कि आप जब पैदा होते हैं तो आपका कोई कल्चर या कोई धर्म नहीं होता, बट आप हल्के हल्के आप चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए, तो आपने फिर उसका हिंदू धर्म को मतलब जाना, उसको समझने लगे, तो आप उस धर्म के अनुयायी हो गए। तो मतलब क्या हो, कल्चर आपको बिलोंग करता है क्योंकि आप उस कल्चर में पैदा होते हैं। फिर इमोशन, इमोशन अगर आपको ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जहां पर क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत दंगे, इस तरीके के, तो इमोशन वैसे ही डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप काफी काइंडफुल या बहुत ज्यादा मर्सी लाइक बिहेवियर मतलब जैसे लोगों में मतलब रहते हैं, तो आपका जो इमोशन है वो वैसे ही डेवलप होता है। इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। फिर आपके पास आता है लर्निंग, लर्निंग स्टाइल क्या होता है। लर्निंग स्टाइल बहुत से लोग जो हमारे हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, कोई एक्टिविटी करके लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑडिटरी आपके क्या होते हैं, लर्नर्स होते हैं। तो विजुअल लर्नर्स आपके जो होते हैं मोस्टली होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 65% समथिंग ऐसे होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें। उसके बाद कुछ 25 या 35 के लगभग, और फिर 5% जो होते हैं ऑडिटरी वाले होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड जो है वो आपका जो है, मैंने अभी बताया है एक चीज, मैंने बताया आपकी ऊपर जो था एप्टीट्यूड था, ये आप ध्यान रखेंगे, एप्टीट्यूड था ये जो है आपका क्या है, इननेट जन्म जात होता है, ठीक है, ये एक्वायर नहीं किया जाता, बट एटीट्यूड जो है ये आप एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा दोनों में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, कि फैक्टर ऐसे कौन से हैं जो हमारे इंडिविजुअल, एक प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए हेरिडिटी, ये बहुत इफेक्ट करता है, कि हेरिडिटी मतलब ये हुआ कि आपका जो हेरिडिटी है वो किस प्रकार से, अगर अच्छे माँ बाप हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसको उसके जो बच्चे हैं उसमें पास ऑन होंगे ट्रेड्स, और वो एक अच्छा मतलब मेंटल एबिलिटी और सारी चीज़ें वो एक्वायर करता है, उसको मिलती हैं, एक्वायर नहीं है, उसको मिलती हैं जन्म जात। उसके बाद इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा आपके पास, आपके पास माहौल कुछ ऐसा है कि आप पढ़ना चाहते हैं बट माहौल आपके पास ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ पर शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, खेलना कूदना गाने वाने ये सारे साउंड वगैरह बज रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है आपको। फिर आपका कास्ट, रेस एंड नेशन, आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं डायरेक्टली। फिर इंटेलिजेंस, ये भी इम्पैक्ट करता है, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल देखे MR बच्चे का। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन अगर आपने नहीं दिए या आप ले रहे हैं, जो एक अनपढ़ व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके जो बिलीफ्स हैं, उनके हर चीज़ जो है, उनका बात करने का एटीट्यूड या उनकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ में क्या है वो डिफरेंस होता है काफ़ी। उसके बाद 6 नंबर, सेक्स डिफरेंस, ये भी मेजर इफेक्ट करता है, कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रथाएँ, कि वहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, और जिस वजह से लड़कियाँ पीछे हैं। लेकिन ये सारी क्या है, सेक्स डिफरेंस है, जो कि ये इम्पैक्ट कर रहे हैं कि भाई जो फीमेल है वो नहीं पढ़ेगा और मेल है कि पढ़ रहा है, तो क्योंकि वो उसे क्या नहीं शादी करनी है, कि वो खाना बनाना, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 7 है कि फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो आपका ऑल ओवर फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी आपको इम्पैक्ट करता है, कि अगर आपकी आईज या आपका हैंड कोई भी इनकेस आपका जो होता है वो डिफॉर्मिटी हो जाती है किसी प्रकार की, या आप इननेट डिफॉर्मिटी होती है, तो वहाँ से आपको क्या है वो भी इम्पैक्ट करेगी आपकी बॉडी को। इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो अकॉर्डिंग टू काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। फिर आपका एज, एज भी मैटर करता है, एक एज के बाद क्या होता है वो चीज़ें हल्की हल्की होने लगती है। जैसे अगर छोटे बच्चे की बात करें, जो 6 तक जो है या 5th तक है वो काफ़ी रैपिडली चीज़ों को लर्न करता है, एक्वायर करता है, सीखता है, बट आफ्टर अडल्टहुड के बाद वो हल्की हो जाती है, यानी ये जो अप एंड डाउन चलता रहता है। उसके बाद आपका आता है पर्सनैलिटी डिफरेंस, मैंने बता दिया कि पर्सनैलिटी डिफरेंस भी आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है आपकी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं, और ये आपको जो डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके परीक्षा में। फिर हम बात करते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये सारी चीज़, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो
तो अगर हम बात करें तो इन एजुकेशन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे इसका हम प्रभाव कर सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे। तो देखिए एजुकेशन में जो होता है कि इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन कि बच्चे जो है उसको हम कैसे समझें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका करिकुलम या उसका जो भी पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग से निर्धारित करना चाहिए और उसको देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो सारे के सारे बच्चे एक जैसे मेंटल के हों या एक जैसे हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं कि उसे उसके रुचि के अनुसार दें और फिर एक चीज और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दें, उसे क्या है विभेदी अनुदेशन दें। मतलब ऐसा नहीं क्लास में कि एक ही निर्देश दे दिया सबको, यानी हल्का जो है डिफरेंट डिफरेंट, यानी हर बच्चे के पास जाके आप पूछें कि उसे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यूनि अगर मैं नीचे लिखा है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी गलत होता है, यानी ये जो देने लायक नहीं होता, क्योंकि ये आपको जो अगर सीटेट एग्जाम दे रहे हैं कोई भी, तो वहां पर अगर यूनिफॉर्म दिख जाए ना आपको कहीं भी, तो ये नेगेटिव पे में जा रहा है, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमेशा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ठीक है। फिर उसकी नीड और उसकी रुचि वगैरह जो है लेवल के अकॉर्डिंग उसको हमें पढ़ाना चाहिए और ये सारे। फिर आपके पास एक चीज और आती है कि एबिलिटी ग्रुपिंग किस प्रकार से करते हैं। तो एबिलिटी ग्रुपिंग जो हमेशा होनी चाहिए टू टाइप, एक तो होती है आपकी होमोजीनस और एक होती है हेटरोजीनस। तो इनमें तो बेटर कौन सी रहती है, तो हमेशा जो आप हेटरोजीनस की तरफ जाएं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक ग्रुप बना दिया और जो एवरेज है उनका एक बना दिया और जो बिल्कुल लो है उनका एक ग्रुप बना दिया, तो उसमें तो वो कुछ सीखेंगे नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा हेटरोजीनस ग्रुपिंग करनी होती है जिसमें बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बैठे हों और उनसे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और होमोजीनस जो होती है ज़्यादा अच्छा निकल आता है, ठीक है, इसमें सेम एबिलिटी के बच्चे बैठे होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको बताएं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप इसे ज़्यादा से शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सेफ रहिए घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।